मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा जो रफ़ी साहब के ज़माने में ही रफ़ी साहब का एक कंटेम्प्रेरी सिंगर रफ़ी साहब को अपना गुरु मानते थे. एनी आइडिया एनी गे? महेंद्र कपूर. बिल्कुल सही बात है महेंद्र जी. देखिए महेंद्र जी को भी मैं ग्रेट आदमी मानता हूँ. कहानी ये है कि जब वो छोटे थे तो एक लड़का अपनी क्लास में अपनी कॉपी पे मोहम्मद रफ़ी लिखता हुआ पकड़ा गया. हाँ जी गुरु जी ने टीचर जी ने पिटाई कर दी. पर जब इस लड़के के दोस्त ने इस लड़के की रफी साहब के लिए दीवानगी देखी तो वो किसी ना किसी तरह अरेंज करके इस लड़के को रफी साहब के घर ले गया. रफी साहब इस लड़के से मिले और लड़के के काफी रिक्वेस्ट के बाद रफी साहब ने इस लड़के को अपना शागिर्द बना लिया और उसे गाने के साथ साथ हारमोनियम बजाना भी सिखाया. इस लड़के को अपने साथ स्टूडियो ले जाते हैं, हर चीज की तालीम दी. आगे चल के ये लड़का रफी साहब के साथ ही सिंगर बन गया, उनके रहते हुए ही एस्टैब्लिश सिंगर हो गया. और ये एस्टैब्लिश सिंगर बहुत ही विनम्र, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन अनादर ग्रेट सिंगर महेंद्र कपूर जी. जोरदार तालियां महेंद्र जी. महेंद्र कपूर रफी साहब को क्या मानते थे ये आपको इस किस्से से पता चल जाएगा जो मैं सुनाने जा रहा हूं. एक बार महेंद्र कपूर का लंदन में शो था. रफ़ी साहब के दो बेटे लंदन में ही थे, शो देखने आए. रफ़ी साहब के बेटों ने भी महेंद्र कपूर को वही अदब, वही इज्जत, वही रिस्पेक्ट दी जो उनके फादर प्यार मोहब्बत महेंद्र जी को दिया करते थे. शो स्टार्ट हुआ, इंटरवल के बीच में सिक्योरिटी ने आके महेंद्र कपूर को बताया कि दो यंगस्टर्स आपसे मिलना चाहते हैं. महेंद्र कपूर ने कहा कि बुलवाइए. और जब ये दो नौजवान आए तो महेंद्र कपूर इन दोनों नौजवानों को देखकर इतने खुश हुए, इतने एक्साइटेड हो गए. उन्होंने ऑर्गेनाइजर से कहा कि बराए मेहरबानी आप किसी भी तरह से दो फूलों की मालाएं बुलवाएं. आप किसी तरह से दो फूलों की मालाएं अरेंज की गई. शो दोबारा स्टार्ट हुआ. महेंद्र कपूर जी ने अनाउंस किया कि मेरी कितनी खुशकिस्मती है कि मोहम्मद रफ़ी साहब के, मेरे गुरु के दो बेटे यहाँ पर बैठे हुए हैं. मैं चाहता हूँ कि वो दोनों बेटे बराए मेहरबानी स्टेज पे तशरीफ लाएं. रफ़ी साहब के जब दोनों बेटे स्टेज पे पहुंचे तो ग्रेट महेंद्र कपूर ने, ये महेंद्र कपूर का बड़प्पन है, ये महेंद्र कपूर की ग्रेटनेस है कि उन्होंने रफ़ी साहब के दोनों बेटों के पैर छुए. दोनों बेटों के पैर छुए. दोनों लड़के असमंजस में पड़ गए. उन्होंने कहा अंकल हम आपके बेटे जैसे हैं. महेंद्र कपूर ने कहा नहीं बेटा आप मेरे गुरु के बेटे हो. गुरु का बेटा गुरु होता है. ये देखिए आप महेंद्र कपूर की ग्रेटनेस देखिएगा. सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग FM पर.